नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं दोस्तों कि आप सब अच्छे ही होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि नमक क्या चीज़ है, नमक की कहानी तो आप सभी को जानते होंगे। नमक वह वस्तु है जो हमारे खाद्य पदार्थों में प्रयोग की जाती है, हमारे रसोई का एक तरीके से यूं कह लीजिए कि राजा माना जाता है। दोस्तों, खाने पीने की वस्तुओं के साथ साथ अगर जीवन में नमक ना हो तो दोस्तों बहुत दिक्कत होती है, बहुत तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार अगर नमक की कहानी के बारे में ज्ञात करें तो दोस्तों कई ऐसे कार्य हैं, बहुत से ऐसे कार्य हैं दोस्तों जो नमक से ही पूरे होते हैं। आज की हम इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ दोस्तों नमक के कुछ ऐसे उपाय। यदि पैसा आपके जीवन में बहुत है लेकिन पानी की तरह बह जाता है, रुकता नहीं है, आप उसको रोक नहीं पाते, तो दोस्तों आज की ये वीडियो आप पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। मैं आपको नमक के कुछ ऐसे कारगर उपाय बताने जा रहा हूँ कि यदि आप जीवन में इन उपायों को नमक के द्वारा अगर आप कर लेते हैं तो आप यकीन मानिए आप अपने हाथ में पैसे को रोक सकते हैं और पैसा आपके हाथों में रुक भी सकता है। बहुत बेफजूल खर्च हो रहा है और रुक नहीं पा रहा, तो आप इस वीडियो को जरूर देखिए। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आप जानेंगे कि किस तरीके से आप नमक के यह उपाय करके अपने जीवन में चमत्कार को कर सकते हैं। बहुत आसान और सरल उपाय हैं, ज़्यादा कठिन नहीं है, इसलिए इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिए। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं इस वीडियो की तरफ और जानते हैं वो नमक का कौन सा उपाय है। तो दोस्तों, पानी की तरह बह जाता है हाथ से पैसा, रोक नहीं पा रहे हैं तो इस उपाय को जरूर अपनाएं। दोस्तों, नमक का जीवन में बहुत उपयोग है। दाल सब्जी में नमक ज़्यादा हो जाए तो नुकसान और कम हो तो भी नुकसान होता है। नमक हमारी आयु को बढ़ाता है और घटाता भी है। नमक का उपयोग करना बहुत ही कम लोग जानते हैं, लेकिन दोस्तों आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहे हैं जिस नमक का उपाय वो खाद्य पदार्थों में उपयोग हेतु नमक के प्रयोग नहीं बता रहे। वैसे तो नमक के बहुत सारे उपाय हैं, लेकिन जो मैं नमक के उपाय इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा वो दोस्तों चमत्कारिक भी है। और आपसे अनुरोध है कि अगर आप इस तरह के उपाय को पूरी भक्ति भाव के साथ अगर आप करते हैं तो आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी और साथ ही दोस्तों सुख शांति तो बनी रहेगी, जिसे देखकर आप हैरान भी हो जाएंगे। और यह उपाय आप अगर चाहते हैं तो लक्ष्मी माता का आशीर्वाद आप पर बना रहे, तो इस वीडियो को दोस्तों जल्द से जल्द लाइक करके चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि बेल आइकन को प्रेस करके हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। और भी दोस्तों, मैं आपसे बस कहना चाहूँगा कि आप यहाँ पर जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखें। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं नमक तो बाजार में कई प्रकार का मिलता है, आपने देखा भी होगा काला, सफ़ेद, खड़ा, समुद्री नमक। लेकिन ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार अगर नमक को चंद्र और शुक्र का प्रतिनिधि माना जाता है। नमक के चमत्कारी उपायों के बारे में आज हम बताएं तो नमक ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार नमक को चंद्र और शुक्र का प्रतिनिधि मानते हैं। नमक को यदि आप किसी स्टील या लोहे के बर्तन में रख देते हैं तो ये चंद्र और शनि का मिलन होता है, जो कि बहुत ही घातक सिद्ध होता है और शोक का कारण भी बन जाता है। इसलिए दोस्तों नमक को किसी प्लास्टिक के पात्र में भी नहीं रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि नमक को सिर्फ कांच के पात्र में रखने से ही यह बुरा असर नहीं देता। नंबर दो, नमक को सीधे साधे किसी व्यक्ति के हाथ में मत दीजिएगा। क्यों? क्योंकि नमक का पैकेट देने से भी बचना चाहिए, लड़ाइयाँ हो जाती हैं ये तो आप जानते हैं और ऐसा मानते हैं कि इससे व्यक्ति के संबंध खराब हो जाते हैं और घर में बहुत तरीके की नकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाता है, इसलिए ऐसा बिल्कुल ना करें। नंबर तीन, ध्यान रखें कि भोजन पकाते समय भोजन को चखे नहीं, उससे भोजन की पवित्रता तो नष्ट होती है, साथ ही घर में दरिद्रता आ जाती है। नमक कम हो जाएगा तो कोई बात नहीं, बाद में भी डाल दिया जाएगा, लेकिन भगवान को भोजन नैवेद्य लगाने के बाद ही भोजन को चखें, इससे घर में सुख शांति बनी रहती है और पवित्रता का भी धन रहता है। नंबर चार, यदि सुखी रहना है तो करें यह उपाय। अगर आपको कोई व्यक्ति पसंद नहीं है तो उसका नमक बिल्कुल भी ना खाएं, उसका मीठा खा सकते हैं, किसी पापी पुरुष के यहाँ घर का नमक बिल्कुल भी ना खाएं, वरना आपका जीवन भी उसी की तरह होने लगेगा। हर कहीं का नमक या नमकीन ना खाएं, इस बात का हमेशा ध्यान रखें। मजबूरी या फिर दबाव में किसी का भी नमक मत खाइए, इससे आपका बड़ा नुकसान हो सकता है। नमक उसी का घर का खाना चाहिए दोस्तों जिसके घर के संस्कार अच्छे हों और जो धर्म सम्मत आचरण करता हो, सनातन को मानता हो। नंबर पाँच है दोस्तों कि नमक का गिरना अच्छा नहीं माना जाता। यूक्रेन और रोमानिया जैसे देशों में इसका दुर्भाग्य और विवाद का सूचक मानते हैं, लेकिन साथ ही भारत में इसका गिरना बहुत अशुभ माना गया है। दोस्तों, यहाँ पर मैं बता दूं कि नमक को गिरने से चंद्रमा और शुक्र को दोनों कमजोर हो जाते हैं, जिससे घर में नकारात्मक ऊर्जा पैदा होती है और साथ ही आपके जीवन में संकट आना शुरू हो जाते हैं। नंबर छः है दोस्तों, दरिद्रता दूर करने के लिए नमक का उपाय। सप्ताह में एक बार गुरुवार को छोड़कर पोछा लगाते समय या अगर पानी में थोड़ा सा साबुत खड़ा नमक अगर मिला लें तो इस उपाय से घर की नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाती है। दोस्तों, वहीं पर बता दूं कि वातावरण की पवित्रता भी बढ़ती है, इससे लक्ष्मी प्राप्ति का मार्ग खुल जाता है और घर में बरकत आने शुरू हो जाती है। दोस्तों, नंबर सात,
धन का प्रभाव बनाए रखने के लिए अगर आप नमक का प्रयोग कर रहे हैं तो घर में धन का प्रभाव बनाए रखने के लिए कांच के एक गिलास लेकर उसमें पानी को मिलाकर उसके घर में और नमक डालकर घर के नेत्रत कोने में रख दें, यानी कि उत्तर में, और उसके पीछे लाल रंग का एक बल्ब लगा दें। जब भी पानी सूखे तो उस गिलास को साफ करके दोबारा नमक मिलाकर पानी भर दें। ऐसा करते रहें। नंबर 8, बाथरूम और टॉयलेट दोष से मुक्ति के उपाय। नमक हर तरह की गंदगी को हटाने वाला एक रसायन तो है ये दोस्तों। एक कांच की कटोरी में खड़ा नमक भरें और इस कटोरी को बाथरूम में रख दें। इस उपाय से भी नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है और हर महीने कटोरी का नमक बदलते रहें। पुराने नमक को फेंक देना चाहिए। टॉयलेट में कांच के बाउल में क्रिस्टल सॉल्ट दरदरा नमक भरकर रखें। 15 दिन बाद बदलें। पहला टॉयलेट के सिंक में डाल दें। अगर किसी कारण टॉयलेट उत्तर पूर्व में हो तो इस तरह के दरवाजे पर रोरिंग लॉयन का फोटो पेस्ट कर दें। रोरिंग लॉयन मतलब दहाड़ता हुआ शेर का फोटो लगा दें। नंबर 9, धन की प्राप्ति और बरकत के लिए जो नमक का उपाय है वो नमक को कांच के पात्र में रखें और उसमें 4-5 लौंग डाल दें। इससे धन की आवक शुरू होने लगेगी और घर में बरकत भी बनी रहेगी। इससे एक और जहां पर दोस्तों नमक में सुगंध बनी रहेगी, वहीं इस उपाय से कभी भी धन की कमी नहीं होगी। नंबर 10, ध्यान रखिए दोस्तों, व्यक्तिगत बाधा के लिए एक मुट्ठी पिसा हुआ नमक लेकर शाम को अपने सर के ऊपर से 3 बार उतार लें और उसे दरवाजे के बाहर फेंक दें। ऐसे 3 दिन लगातार करें। दोस्तों यदि आराम ना मिले तो नमक को सिर के ऊपर से उतार कर शौचालय में डालकर फ्लश चला दें। बहुत ही जल्दी निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। नंबर 11, वास्तुदोष मिटाएं। नमक से मिला जुला वास्तुदोष हो तो जिसे आप बदल नहीं सकते, मन में खिन्नता, डर, चिंता होने से दोनों हाथों में साबुत नमक भरकर कुछ देर रखें, फिर वॉश बेसिन में डालकर पानी से बहा दें। नमक इधर उधर बिल्कुल भी ना फेंकें। नंबर 12, रोग से मुक्ति के लिए सोते समय अपने सराहने की पूर्व की ओर रखें। अपने सोने के कमरे में एक कटोरी में सेंधा नमक के कुछ टुकड़े रखें। इससे आपकी सेहत तो ठीक रहेगी, रोग से बचने के लिए साधारण नमक का कम ही उपयोग करना चाहिए। दोस्तों उसकी जगह सेंधा नमक या काले नमक का उपयोग करना भोजन के दौरान करने चाहिए, यह बहुत ही लाभदायक रहता है। नंबर 13, अगर कोई व्यक्ति लंबी बीमारी से चल रहा है तो उसके सराहने कांच के एक बर्तन में नमक रख दें। 1 सप्ताह बाद उस नमक को बदल कर दोबारा नमक रख दें। धीरे धीरे उस व्यक्ति की सेहत में बहुत जल्दी सुधार होने लगेगा। नंबर 14, नज़र उतारने के लिए उपाय। यदि आपको किसी भी बच्चे को किसी की नज़र लग गई है तो डरिए मत। 7 बार एक चुटकी नमक उस पर से उतार कर उसे बहते हुए पानी में बहा दें। नल खोलें और उसे नल के बहते हुए पानी में डाल दें। इससे नज़र दोष दूर हो जाता है। नंबर 15, कुंडली में चंद्र और मंगल कमजोर हैं तो उसका उपाय यह है कि अगर कुंडली में चंद्र कमजोर है तो समुद्री या सामान्य नमक का भोजन में इस्तेमाल ना करें, बल्कि सेंधा नमक का इस्तेमाल करें। इससे आप रक्तचाप की समस्या से बचे रहेंगे। लेकिन अगर कुंडली में मंगल कमजोर है तो भोजन में समुद्री नमक का इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 16, ग्रह कलेश से बचने के लिए उपाय। यदि पति पत्नी में दोस्तों किसी भी बात को लेकर आप जानते हैं कि अनबन बनी ही जाती है और लड़ाइयाँ चलती रहती हैं तो ग्रह कलेश है तो या किसी भी प्रकार की मानसिक अशांति है अगर आपके घर में, तो सेंधा नमक, खड़े नमक का एक टुकड़ा अपने सोने वाले कमरे में एक कोने में रख दीजिए। इससे नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी। इस टुकड़े को महीने भर के बाद बदल दें और दूसरा नया टुकड़ा वहाँ पर रख दें। नंबर 17, मन की बेचैनी को मिटाने के लिए यह उपाय है। यदि आपका मन बहुत अशांत रहता है, दोस्तों विचार चलते रहते हैं, किसी प्रकार की चिंता से ग्रस्त रहते हैं, सोचते ज़्यादा रहते हैं, इससे आपका स्वास्थ्य गिरता जाएगा। नमक मिले हुए जल से स्नान करने से शरीर तो शुद्ध होगा ही, साथ ही मन की बेचैनी भी शांत हो जाएगी। नहीं विश्वास आता तो ऐसा करके देख लें। नंबर 18, अगर आपके घर में दोस्तों नकारात्मक ऊर्जा हावी हो गई है तो इसके लिए आप अपने घर में पोछा लगाते समय पानी में चुटकी भर नमक मिला दें। ऐसा करने से घर में सकारात्मकता बनी रहती है और घर में नमक वाला पोछा लगाने से जल्दी ही धन की प्राप्ति भी होती है। अगर आप तरक्की पक्की चाहते हैं तो घर में नमक से पोछा जरूर लगाएं। नंबर 19, वास्तुशास्त्र के मुताबिक यदि किसी मनुष्य को निरंतर धन की समस्या बनी रहती है और बिना किसी कारण धनहानि हो रही है तो कांच के गिलास में जल भरकर उसमें एक मुट्ठी समुद्री नमक डाल दें। इसके बाद उस नमक भरे गिलास को घर के दक्षिण पश्चिम कोण में रख दें। इस उपाय को करने से धनहानि से मुक्ति मिलती है। इस बात का ध्यान रखें कि हर हफ्ते इस पानी को बदलते रहें। इसी के साथ घर में खुशहाली और बरकत दोनों आने लगती है। दोस्तों ये नमक के उपाय थे। आपको विश्वास ना हो तो आप करके देखिएगा। इनमें से कोई भी उपाय आप अपने घर में आज से ही करना शुरू कर दीजिएगा और चमत्कार दोस्तों आपके घर में अपने आप ही होने लगेगा।
तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बताए गए नमक के ये उपाय जानकारी आपको कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो यहाँ से जाने से पहले एक बार इस वीडियो को लाइक करके जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी नाम लिखना भूलें। दोस्तों आज्ञा दीजिए, फिर मिलूंगा जल्दी ही कोई और अच्छी कहानी कथा वीडियो या उपाय को लेकर। तब तक आपको अपने जीवन में स्वस्थ और खुश रहे। हनुमान जी महाराज की कृपा आपके घर पर सदैव बनी रहे। जय श्री राम।